अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स ऑल अबाउट लाइफ विद ने। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और जो है वो आज शदीद गर्मी वाला दिन था और संडे का दिन था, तो जो है मैं जो हूँ आज मैंने सोचा कि फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे एक, तो वहाँ जाया जाए। तो हम लोग पूरी फैमिली जो है वो वहाँ पर गए। और जो है वो ये मैं आपको थोड़ी सी रास्ते की वीडियो दिखा रही हूँ। पहले सबसे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर भी किया करें, ठीक है जी। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है कैंट का एरिया और इस सड़क को कहते हैं ठंडी सड़क। और बड़ा ही मज़ा आता है, यहाँ पर साफ़ सुथरी होती है। शाम में हैदराबाद की आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो आई डोंट नो कि इस सड़क को ठंडी सड़क क्यों कहा जाता है, लेकिन बहरहाल इसका यही नाम है। सबसे पहले लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली आपको मज़ीद ज़बरदस्त सी वीडियो देखने को मिले, आपको मज़ा आए, अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, रिफ़्रेशिंग सा ज़रा लाइफ अच्छी हो जाएगी और जो है वो आपका टाइम जो है वो अच्छा पास हो जाएगा, ठीक है जी। तो अच्छे कंटेंट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, आगे लेकर आना चाहिए। जो लोग इतनी मेहनत करते हैं वीडियो कंटेंट के लिए, तो जो है वो उनको व्लॉगिंग को उनकी उन चीज़ों को आगे लेकर आना चाहिए। तो जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और चैनल का नाम आप लोगों को अब तक तो याद हो जाना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट लाइफ विद निक। तो लाइफ की सारी चीज़ें जो है वो आपको इस चैनल में मिलेंगी। हम आ गए थे यहाँ कैंट छावनी में, और ये जो है वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो हमारा इसलिए जो है वो हमने सोचा कि संडे वाले दिन जो है वो जाके मिल लें और थोड़ी सी मुलाकात हो जाए। तो जो है वो आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के एरिया में कैसी गर्मी पड़ रही है और आम कहाँ कहाँ आ गए हैं। और आम जो है वो बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं, तो मेरा भी मोस्ट फेवरेट फ्रूट है आम, और बड़ा ही अच्छा लगता है, मीठा ताज़ा यमी सा। पहले जो हमारा उस घर में हमारा क्या था, उस घर में हमारे बहुत बड़ा लॉन था, वहाँ आम के और जामुन, अमरूद, अनार बहुत सारे दरख्त हुआ करते थे। तो हमारा जो बचपन है ना वो बड़ा ही मज़ेदार और बहुत अच्छा गुज़रा। दरख्तों पे चढ़ना, मज़े करना, लॉन में खूब खेलना, सारे कज़न्स हमारे घर जो है वो जून जुलाई पूरा हमारे घर गुजरता था सबका, तो जो है वो बहुत ज़्यादा रख रखाव, मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा था। तो जो है वो आज मुझे अपने घर की याद आई और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ भी जो है वो सेम वही वाला जो है वो मुझे नज़र आया दरख्त, और उसमें कैरियाँ लटक रही थी और ऐसी कैरियाँ सेम हमारे दरख्त में लटकती थी, तो हमें बड़ा मज़ा आता था। ये देखें आप कितनी सारी माशाल्लाह माशाल्लाह से कैरियाँ यहाँ लटक रही थी और बहुत ही खूबसूरत वो जो है ना प्योर चीज़ें जो होती हैं उनकी याद दिला रही थी। तो ये जो है वो हमारी छोटी सी फैमिली थी, हमने यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर जो है वो हम वापस आ गए। और फिर रास्ते में जाहिर सी बात है गर्मी भी बहुत थी, अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, तो हम लोग फिर वापसी पे हमने सोचा कि मैग्नम मॉल देखें। हम बहुत हाइप क्रिएट हुई थी मैग्नम मॉल की, तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ स्टे किया। खाना जो है हमने कहा घर जाके खाना है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ टाइम दे लें, कुछ अगर अच्छा लगा तो खा लेंगे यहीं से ही। तो जो है वो इस वक्त हमने सोचा कि इधर उधर देखें, लेकिन यहाँ हमें कोई शॉप्स ऐसा नज़र नहीं आई। यहाँ ये सिर्फ कॉर्न का एक स्टॉल था और आइसक्रीम के स्टॉल्स थे, और जो है अभी यहाँ सब कुछ ओपन हो रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्लियरली बता दिया जाए कि जो लोग यूट्यूब देखकर जो है वो सोच रहे हैं कि मैग्नम मॉल का विज़िट किया जाए, तो यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। और सुबह से अब तक मैं 36 दफ़ा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, हर बार जो है वो मुझे डिलीट करना पड़ जाती है, उसके बाद मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करती हूँ। और आप पता नहीं कौन सी बार जो है ये मेरे ख्याल से 36-40 ये जो है ना मेरा अटैम्प्ट है इसको रिकॉर्ड करने का, एंड दिस इज़ माई फाइनल अटैम्प्ट, ठीक है। अब अगर ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पर नहीं गई तो मैंने दोबारा नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, ये था यहाँ का मार्ट, और जो है वो मार्ट बस सही था, हर चीज़ बस सही थी, एवरेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। लिफ्ट्स अभी तक बंद थी, जो इनके एक्सलेटर्स हैं वो ऑन थे, और जो स्टेयर्स भी इन्होंने दी हुई थी, लेकिन जो है वो अभी तक कोई ऐसी मुझे अमेजिंग अट्रैक्शन कोई नज़र नहीं आई जिसकी वजह से कि मैं लोगों को, अपनी ऑडियंस को बोलूँ कि आप आएँ और मस्ट विज़िट द मैग्नम मॉल। ऐसा जो अभी यहाँ कोई ख़ास नहीं थी, तो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यहाँ का विज़िट करें। प्ले एरिया भी बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर था। ये मुझे उन मॉल्स में से लगा जैसे छोटे से मॉल्स होते हैं ना, बस वो इस हद तक बहुत था। तो जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हालत इज़ार कुछ यूँ थी कि मॉल था, हम थे बस अकेले।
तो जो है वो सुबह से हम जो है वो निकले हुए थे, फिर अभी यहाँ खाने पीने को भी हमें कुछ नहीं मिला, हमने सिर्फ चाचा पीरू से गोलगप्पे वगैरह खाए।